1986 तक चर्च का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना ही देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पीएचडी करने के बाद मैं पादरी बन गया था। चर्च का जो मूल एजेंडा है समाज को धर्मांतरण करना, उसी कार्य में संलिप्त था और एक एक प्रकार में समाज को धर्मांतरण कराता था। धर्मांतरण ही हमारा मूल उद्देश्य रहा था। चर्च द्वारा भेजा गया था भारत के सरजमीन पर, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों के बारे में जानकारी लेने हेतु। संघ संगठन के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर, संघ संगठन के लिटरेचर को पढ़ने के बाद, यहाँ का वेद, यहाँ का पुराण, यहाँ का ग्रंथ, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का तीज, यहाँ का त्यौहार, यहाँ का परंपरा, यहाँ के परिपाटी को देखने, समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुंचा, यकीनन जो सनातनी दर्शन है, जो सनातनी चिंतन है, जो हिंदू दर्शन है, जो हिंदू चिंतन है, जो हिंदू संस्कार है, वो विश्व का अद्वितीय दर्शन, वो विश्व का अद्वितीय चिंतन ही है। ये केवल हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाकी किसी भी दूसरे धर्म अवलंबियों ने कभी नहीं कहा धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो केवल और केवल अपना रिलीजन का प्रीचिंग किया है, केवल और केवल अपना डंका पीटने का प्रयास किया है और केवल ही केवल अपना अधिपत्य जमाने का कुछ चेष्टा किया है। तो मैं संघ से प्रभावित होकर, संघ के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर और विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर को जब मुझे पढ़ने का अवसर मिला, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, भारत के सब जमीन पर अगर मैं किसी व्यक्ति को एक एक प्रकार धर्मांतरण करता हूं तो मैं महापाप का भागीदारी हूं। इस महापाप से मुझे निकलना है, ये महापाप का काम को हमको नहीं करना है। और प्रायश्चित स्वरूप मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे एक मौका दिया समझने का, आत्मचिंतन करने का। मैं संघ का प्रतिज्ञित स्वयंसेवक बना। प्रतिज्ञित स्वयंसेवक के साथ साथ दर्शन चिंतन को देखते हुए, समझते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कन्विंस होके, कन्वर्ट होके मैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं। 37 ईयर्स मेरा निकल गया एज अ संघ प्रचारक। और वर्तमान में मैं हिंदू जागरण मंच का बिहार और झारखंड का क्षेत्र का काम मेरे ऊपर है। आज जिस हेतु के निमित्त मैं आया हूं, एक है समाज का जागरण करना, इसका प्रबोधन मुझे करना है। हिंदू जागरण मंच को मजबूती के साथ इस जिले में खड़ा करना है, कुछ नए नए कार्य योजना में कुछ कार्यकर्ता को ढालना है। साथ में बिहार अभी चुनाव के मोड में आ चुका है, कार्यकर्ता को मैसेज मुझे देना है, प्रत्याशी कोई भी क्यों ना हो, उनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एक बार चेक कर लिया जाए। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ हम तो नहीं हैं कि जिन्होंने गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का संरक्षण कभी नहीं किया। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ तो हम नहीं जुड़ गए जिन्होंने मातृ वतन को कभी नमन नहीं किया, जिन्होंने भारत माता का गुणगान कभी नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम गीत जिनको नहीं भाया। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ तो हम नहीं लग गए जिन्होंने केवल और केवल जिहादियों का साथ दिया है। तो मैं तो कार्यकर्ता को अलर्ट करने के लिए आया हूं, प्रत्याशी कोई भी हो, हिंदू एजेंडा लागू होना चाहिए। जो हिंदू हित का कार्य करेगा, बात करने वाले तो बहुत है, जो हिंदू हित का कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा। हमें राज्य सत्ता नहीं चाहिए, राष्ट्र की उन्नति के बारे में हमको सोचना ही पड़ेगा। मैं कौन, मेरा हैसियत क्या, मेरा अस्तित्व क्या, मेरा पहचान क्या है, इस बात को आपको ठीक से समझना पड़ेगा।
हु आई एम एंड व्हाट इज माय आइडेंटिटी, मेरा पहचान क्या है। हम सब हिंद के वासी हैं, हिंदुस्तानी, लैंड ऑफ हिंदूज में हम रहते हैं। यह देश किसका, ये बहुत बड़ा एक सवालिया क्वेश्चन है समाज के सामने। इसका आंसर ढूंढ-ढूंढ नहीं चाहिए, ये देश सभी का नहीं। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा और जो भारत माँ को सुजलाम सुफलाम बनाएगा, ये देश उन्हीं सभीओं का। जो भारत में रह करके भारतीय परंपरा को जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनाएगा नहीं, भारत उनका नहीं है। हिंदू जागरण मंच हिंदू समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करने चाहते हैं। यकीनन मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, और हमें किसी से बैर नहीं पर देश द्रोहियों की खैर नहीं। भारत में यदि रहना होगा, हर मन को, हर जन को भारतीयता में ही रंगना होगा। ये देश किसका? खुदीराम बोस जी का, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, विनय बहादुर दिनेश जी का, परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलराम भिंडेवार जी का, माधवराव सदाशिव गोलवरकर जी का और हम सभीओं का। इसलिए रोज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम तीन चार रहे न रहे, द ग्लोरी ऑफ द मदर लैंड शैल लिव फॉरएवर, वेदर वी लिव और नॉट लिव, हम रहे चाहे न रहे। मैं सौरभ से सुमन कुमार बना क्यों बना? ताकि मुझे मौका मिला है, मातृ वतन के लिए कुछ तो मैं कर जाऊं। हम झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। कानून में व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है। आज उसी कानूनी योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद एंड पॉपुलेशन जिहाद। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, मीडिया इंटेलेक्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए कहा जाता है तुम दो तुम्हारे दो, सनातनी के लिए, हर सनातनी के लिए कहा जाता है हम दो हमारे दो, और उनके लिए कहा जाता है दे 5 and they are 25। हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक विशेष योजना है, उस योजना के तहत अस्थिरता पैदा करने का मीमांसा है। दे आर हैचिंग ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस। They 5, they are 25। एक बच्चा लड़का को भी पूछेंगे हम दो हमारे दो, टोटल 4 एंड they 5, they are 25। तो ऑब्वियसली दे आर इंक्रीजिंग वेरी फास्टली, और इंक्रीज क्यों हो रहा है, वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहा है, दैट इज अ पॉपुलेशन जिहाद। वो जिहाद को अंजाम देना चाहता है। और आप याद करिए, मैं केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं, बंटवारा के समय इन्होंने एक नारा दिया था कि हंस के लिया हूं पाकिस्तान और अब कह रहा लड़ के लूंगा हिंदुस्तान। तो उन मंसूबे के बारे में एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, उन जिहाद प्रवृत्तियों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, उन जिहादी मानसिकता के लिए एक मैसेज हिंदू जागरण मंच से मैं देना चाहता हूं कि कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची भी ले लेंगे। वर्तमान भारत जिस व्यक्तित्व के हाथ में है, नाम है उनका ऑनरेबल मोदी जी, और विश्वास रखिए मोदी जी के हाथ में भारत पूर्णता सुरक्षित है। तैमूर के औलादों का नहीं है, चंगेज के औलादों का नहीं है, बाबर के नहीं है, औरंगजेब के नहीं है, भारत किनका? भारत खुदीराम बोस जी का, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, विनय बहादुर दिनेश जी का, परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलराम भिंडेवार जी का, हम सब। भारत को जानिए, भारत को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। यकीनन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमें किसी से बैर नहीं पर देशद्रोहियों की खैर नहीं। भारत में ही रहना होगा, हर जन को, हर मन को भारतीयता में ही रहना होगा। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। भारत के सरजमी पर आप तब और तभी रह सकते हो जब भारतीयता सेंटीमेंट के साथ आप खिलवाड़ करना बंद कर दो।
staying in this land and intentionally you want to hit our sentiments, it is not bearable, it will be not tolerable. अब हम tolerate नहीं करेंगे. और tolerance की अगर बात देखिए तो मैं साक्षात उदाहरण हूँ. मैं संघ के संपर्क में आने के बाद I was a regular church goer just to check how much they can bear me, how much they can tolerate me. संघ कार्यालय पर रह करके, संघ के संपर्क में रह करके, संघ का जब मैं अध्ययन कर रहा था तब भी मैं रेगुलर संडे चर्च गोअर था. इन्होंने कभी हमको मना नहीं किया. इन्होंने क्या बोला, जो चाहे जिस पंथ को अपनाए केंद्र बिंदु तक ही पहुंचेगा. तो बड़ा सोच है हमारा दर्शन, हमारा चिंतन. कभी किसी दूसरे धर्मावलंबियों के बारे में टीका टिप्पणी न करता है, न इजाजत देता है.